हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉइस पॉइंट। इस वीडियो में हम सांख्यिकी में माध्य, माध्य का परिसर और बहुलक पढ़ेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है और अक्सर स्टूडेंट इन्हें एग्जाम में छोड़कर आ जाते हैं, तो आपको ये टॉपिक इग्नोर नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए ये। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम इजी से एग्जाम्पल लेंगे, जिससे कि आपको ये चारों के बारे में पता चल जाए कि ये होते क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, माध्य को कहते हैं हम इंग्लिश में मीन, माध्यिका को कहते हैं हम इंग्लिश में मीडियन, परिसर को कहते हैं हम रेंज और बहुलक को कहते हैं मोड। अब माध्य क्या होता है? माध्य होता है एवरेज, मतलब इन संख्याओं का सबका एवरेज। और एवरेज कैसे निकलता है? आप सब संख्याओं को जोड़ने के बाद जितनी टोटल संख्याएँ हैं उससे भाग दे देते हैं। ठीक है, अब माध्यिका क्या होती है? इन्हें आरोही क्रम में लिखने के बाद जो सबसे बीच में संख्या आती है वो होती है माध्यिका। इन्हें डिटेल में हम अभी आगे देखेंगे, पहले आप ऐसे समझ लीजिए इसे। और परिसर क्या होता है? इंग्लिश में हम इसे रेंज कहते हैं। ये क्या होता है? परिसर होता है इस पूरी सीरीज में जो सबसे बड़ी संख्या है माइनस सबसे छोटी संख्या। ठीक है, मतलब सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का जो अंतर होता है वो होता है परिसर। अब बहुलक क्या होता है? पूरी सीरीज में जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है वो होता है बहुलक। ठीक है, तो इन चारों के बारे में मैंने आपको ओरली बता दिया। जो माध्यिका है, ठीक है, इसके लिए आपको इसे आरोही क्रम में लिखना ज़रूरी है। बाकी जो तीन है ये, इन्हें बिना आरोही क्रम में लिखकर भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आरोही क्रम में लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में जब भी सवाल पूछा जाए, अगर सवाल में माध्यिका निकालनी है तो इसे सबसे पहले आप इसे आरोही क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले हम इसे आरोही क्रम में लिख लेते हैं। सबसे पहले इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? वन। वन के बाद वन से बड़ी टू, टू से बड़ी फोर, फोर से बड़ी एट, और सबसे बड़ी क्या है? फिफ्टीन। ठीक है, तो इसमें माध्य निकालना है। इसका माध्य मैंने आपको क्या बताया है? इन सबका एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं? इन संख्याओं को सबसे पहले आप जोड़ लीजिए, और जितनी ये संख्याएं हैं, एक दो तीन चार पाँच, पाँच से भाग दे दीजिए, पाँच छंग तीस, तो छः क्या आया हमारा? माध्य आ गया है। ठीक है, इस तरीके से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। अब बात आती है माध्यिका की। तो माध्यिका मैंने आपको बताया, आरोही क्रम में लिखने के बाद सबसे बीच वाली संख्या जो होती है वो होती है माध्यिका। तो सबसे बीच में इनमें से कौन सी संख्या है? देखिए, दो इधर से हटा दीजिए, दो इधर से हटा दीजिए, तो बीच में कौन सी बची? फोर। तो फोर क्या है यहाँ पर? माध्यिका, फोर। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा, अगर ये सम संख्याएं होती, मतलब जो पांच संख्याएं हैं ये एक दो तीन चार पाँच, जो पाँच नंबर है वो है विषम। ठीक है, यहाँ पर अगर सम संख्याएं होती, मतलब हम एक और बढ़ा देते हैं यहाँ पर सत्रह, ठीक है, सत्रह अलग से बढ़ाया मैंने, अगर सत्रह और लिख देते हैं यहाँ पर, तो ये संख्याएं कितनी हो जाती हैं? छः। छः क्या है? एक सम संख्या है। तो ऐसे केस में जो बीच में संख्या आती है वो दो आ जाती हैं, जैसे कि दो इधर से निकालते और दो इधर से हटाते, तो उस केस में दो संख्याएँ बचती बीच में, चार और आठ। तो ऐसे केस में जो बीच में दो संख्याएँ बचती हैं उनका एवरेज जो होता है वो माध्यिका होती है। इनका एवरेज कैसे निकालेंगे? इनका एवरेज इन्हें जोड़ने के बाद हम इसे दो से भाग दे देंगे, कितनी संख्याएँ हैं? दो, तो दो से भाग दे देंगे, तो वो हमारा माध्यिका आ जाएगा। तो चार और आठ का एवरेज क्या होगा? तो इस केस में चार और आठ का एवरेज होगा, चार और आठ को जोड़ेंगे तो बारह, बारह बटे दो, तो क्या आ जाएगा इसका? छः। ठीक है, मतलब इनकी बीच वाली, इन दोनों की बीच वाली संख्या जो होगी वो इस पूरी सीरीज की माध्यिका होगी। ठीक है, अब बात आती है परिसर की। परिसर देखिए, मैंने आपको बताया है परिसर होता है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो परिसर लिख लेते हैं यहाँ पर, बराबर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें? ये हटा दीजिए, ये मैंने अलग से लगाया था समझाने के लिए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें? पंद्रह, माइनस सबसे छोटी संख्या एक, बराबर फोर्टीन। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या पंद्रह, सबसे छोटी संख्या वन, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा फोर्टीन। तो फोर्टीन क्या है हमारा यहाँ पर? रेंज, परिसर। ठीक है, तो परिसर निकालना बहुत आसान है। अब बात आती है बहुलक की। तो जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है पूरी सीरीज में वो होता है बहुलक। तो बहुलक के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जो इसी बार पीसीएस के सी सेट में आया हुआ है। देखिए, ये है एग्जांपल, ये इतनी संख्याएं दे रखी हैं, तो बहुलक के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि इसे आरोही क्रम में लिखो। ठीक है, आरोही क्रम में लिख कर सकते हैं, लेकिन आप टाइम बर्बाद करेंगे। तो सबसे पहले आप इसमें ये देखिए कि कौन सी संख्या कितनी बार आई है। तो हम शुरू करते हैं जीरो से। ठीक है, तो जीरो यहाँ लिख लेते हैं। जीरो कितनी बार आया है? एक, दो, तीन। तो जीरो आया है तीन बार। जीरो से बड़ी संख्या कौन सी है? वन। तो वन यहाँ पर लिख लेते हैं। वन कितनी बार आया है? एक। तो पूरी सीरीज में केवल एक बार आया है वन। तो इससे बड़ी संख्या कौन सी है? वन से बड़ी टू। ठीक है,
तो इसे लिख लिया हमने, ये निशान लगा देते हैं नीचे। अब लिखते हैं यहाँ पर टू, तो यहाँ पर दो दो बार आया है। अब यहाँ तीन लिखते हैं, तो तीन कितनी बार आया है, एक। तो तीन भी यहाँ पर केवल एक ही बार आया है, ठीक है। अब तीन से बड़ी संख्या कौन सी है, पाँच है यहाँ पर, चार नहीं है, पाँच है, ठीक है। तो पाँच लिखते हैं हम, तो पाँच कितनी बार आया है, एक ही बार आया पाँच भी। अब छः देखते हैं, छः कितनी बार आया यहाँ पर, एक दो तीन, तो छः तीन बार आया यहाँ पर। अब सात देखते हैं, सात ये है, एक दो तीन चार पाँच, सात आया यहाँ पर पाँच बार। तो देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई है, सात। तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इसका बहुलक क्या होगा, सात, क्योंकि सात सबसे ज़्यादा बार आई है। अब हम एक एग्जाम्पल और लेंगे जिनसे हम इन चारों को समझेंगे। तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल ये है, तो सबसे पहले हम इसे आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें, टू, टू हमने यहाँ लिख लिया। इसके बाद यहाँ पर ये फोर है, फोर लिख लिया। फोर के बाद आठ, आठ यहाँ लिख लिया हमने। आठ के बाद है नौ, नौ के बाद ग्यारह, ग्यारह के बाद यहाँ पर तेरह, तेरह के बाद है यहाँ पर सोलह, ठीक है। तो ये संख्याएँ आ गई, ये आरोही क्रम में हैं। अब इसमें सबसे पहले हम इसका माध्य निकालते हैं, माध्य। तो माध्य का क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इन सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। इन सभी संख्याओं का योग कितना है, 63। जोड़कर देख लीजिए आप, इन सब संख्याओं का योग है 63 अपॉन कितनी संख्याएं हैं ये, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात संख्याएं हैं, सात निम 63। तो नो इसका क्या आ गया, माध्य, मीन, ठीक है। अब बात करते हैं हम माध्यिका की, या लिखते हैं माध्यिका। माध्यिका के लिए मैंने आपको क्या बताया था, आरोही क्रम में लिखने के बाद जो बीच की संख्या होती है, सबसे बीच वाली संख्या, वो होती है माध्यिका। तो ये हमने आरोही क्रम में लिख लिया, ठीक है। इसमें सबसे बीच वाली संख्या कौन सी है, तो तीन इधर से निकाल दीजिए आप, और तीन ही इधर से निकाल दीजिए, क्या बचेगा, नौ। तो नौ इसकी माध्यिका है, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं हम इसे मीडियन। दो चीज़ें निकल चुकी हैं, अब बात आती है परिसर की। तो परिसर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, परिसर जो सबसे बड़ी संख्या है माइनस सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर, 16, ठीक है। तो सबसे पहले 16 लिखेंगे यहाँ पे, माइनस सबसे छोटी संख्या कौन सी है, दो, यहाँ दो लिख लेंगे। क्या आएगा यहाँ पर, 14। तो 14 यहाँ पर इसका परिसर आ चुका है। इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप एग्ज़ाम में इस टाइप के सवाल छोड़कर नहीं आएंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें सुझाव दे सकते हैं। और अगर आप सांख्यिकी का कोई और टॉपिक जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में बताइए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।